अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में इफ्तार में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले आलू और प्याज के लच्छेदार पकोड़े बना रहे हैं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्द बन जाते हैं और इसे बहुत कम मसाले लगते हैं। तो चलिए, आलू और प्याज के लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। हमने ये तीन छोटे बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 200 ग्राम आलू है और 200 ग्राम हमने मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से छिलकर इसे 10 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था। प्याज को कट करने से पहले कभी भी थोड़ी देर तो भी 5 मिनट तो भी फ्रीज़र में रखे। ऐसा करने से जो प्याज का तेज़पन होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमें प्याज काटते वक्त जो आँख में तकलीफ़ होती है वो नहीं होती। प्याज को हम पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। और हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ का एक छोटा सा अदरक का पीस लिया है और तीन चार लहसुन की कलियाँ लगेंगी। तो बाद में ये दोनों को हम कद्दूकस कर लेने वाले हैं। तो हरी मिर्ची को हमने बारीक चॉप कर दिया है और मसालों में हमें लगेगा। हमने 3 टेबल स्पून हरा धनिए को बारीक चॉप कर दिया है, बिल्कुल ये आधा टीस्पून हमने सूखी हुई कुटी हुई लाल मिर्ची ली है। 1 टेबल स्पून हमें साबित ज़ीरा लगेगा, बिल्कुल आधा टीस्पून हमें अजवाइन लगेगी और 1 टेबल स्पून हमने साबित भुना हुआ धनिया लिया है। अगर आपके पास कच्चा धनिया है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हम तीनों को भी अजवाइन ज़ीरा और धनिए को ग्राइंड कर लेंगे, या आप चाहे तो इसे रफली मोटा मोटा कूट के भी ले सकते हैं। और हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ली है और बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर लगेगा। और पकौड़ों के साथ चटनी लगेगी। तो हमने चटनी बनाने के लिए आधा कप हरा धनिया लिया था और आधा कप ही हमने पुदीने को धोकर साफ इसका पानी निकाल लिया है। 5 से 8 कलियाँ लहसुन के लगेंगे और 1 हमने हरी मिर्ची ली है। हरी प्याज को हमने इस तरह से प्याज के साथ 1 हरी प्याज ले ली है, तो इसको भी हम चटनी में डालने से इसका कलर ग्रीन होता है। तो हम, अगर आपके पास प्याज की पत्ती ना हो तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा, हमारे पास थी तो हम डाल रहे हैं। हल्के पुदीने और कोतमीर से भी चटनी अच्छी बनती है। तो चलिए, हम इसमें बिल्कुल आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। हमने 1 टेबल स्पून उतना नींबू का जूस ले लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको हम बारीक ग्राइंड करके ला लेंगे। देखिए, हमारी ये पुदीने की चटनी तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए, ये धनिया अजवाइन और जीरे को हमने इस तरह रफली मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। लहसुन को भी हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। प्याज को हमने चॉप कर दिया है। अब चलिए, हम ये जो आलू रखे थे इसको कद्दूकस कर देंगे। उसके बाद इसको हम एक बॉल में डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमने पानी निकाल लिया है इसका। तो चलिए, हमने ये जो बेसन रखा था इसको छान कर डाल देंगे।
ये पकोड़ों को अगर आप जब का जब फ्रेश तल रहे हैं तभी इसे फ्रेश फ्रेश आलू और प्याज घिस कर बनाएं, क्योंकि अगर इसका अगर हम ये बैटर रख देंगे तो इसमें से आलू और प्याज में जो पानी होता है वो रिलीज हो जाता है और हमारा बैटर पतला हो जाता है, इसी तरह का होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम 3-4 मिनट छोड़ देंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे। गर्म हुआ या नहीं हम एक छोटा सा पकोड़ा डालकर इसमें चेक कर लेंगे। अगर ये फ्राई होकर ऊपर आया तो उसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे मीडियम और लो के बीच में रहने देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कोई शेप वगैरह नहीं देना है, बस इसे इस तरह से पकड़ना है और छोड़ देना है। तो चलिए इसे हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के साथ आप चाहे तो इसे टमाटो केचप से भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारे आलू और प्याज के लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार है। आने वाले इफ्तार पे आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आपके आलू प्याज के पकौड़े कैसे बने थे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।